तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे अपने ही बंदों ने मुझसे की बेवफाई। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे, तो देखते हैं आगे क्या होता है वीडियो में। तो इस इंटेंस इंट्रो के साथ वीडियो को करते हैं शुरू गाइस। हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में बढ़िया होंगे क्वारंटाइन के चलते। तो भाई आज हम खेल रहे हैं फिर से पबजी द मोबाइल। तो भाई आज हम जा रहे हैं गोरे गोपाल में, क्योंकि भाई अब तो हमारा ना घर बन चुका है गोरे गोपाल। और भाई घर बनते ही ना आजकल यहाँ पे ना बंदे ही नहीं आते। तो भाई इस मैच में ना वही हुआ, बंदे तो आए नहीं। मैं क्या भाई, मेरा तो कंटेंट ही ख़राब हो गया, तुमने मेरी केडी कम कर दी, सब कुछ हिला विला दिया। मैंने कहा भाई चलो देखा जाएगा जो होगा। तो भाई यहाँ पे ना मेरे को AKM मिल चुकी थी जो कि बहुत ओपी है। तो भाई इस गेम के बाद ना मेरे को AKM से प्यार ही हो गया है। यस गाइस, मेरे को ना AKM से प्यार हो गया था इस गेम के बाद, क्योंकि भाई ये गेम इतना ही ओपी गया था ना बाद में कि भाई पूछो ही ना। तो यहाँ पे ना मेरे को लेवल 3 का बैग मिल जाता है। तो मैं सोच रहा था कि मैं लेवल 3 के बैग का करूँगा क्या जब मेरे को यहाँ पे लूट ही नहीं मिलेगी। तो भाई मैं गलत था, मेरे को लूट मिल जाएगी बाद में। तो भाई मेरे बंदे ने ना TJ ने, यस भाई टीचर ने ना मेरे को कार 98 दे दी, क्योंकि भाई वो जानता है कि मैं सबसे अच्छी स्नैपिंग करता हूँ इस टीम में। तो भाई अभी ना लूटा पार्टी करके ना हम ना यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई अभी ना लूट तो यहाँ से मिलेगी नहीं, क्योंकि भाई गोरे गोपाल में लूट तो मिलती नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि भाई अब जब एमो मिलेगा ही नहीं तो हम बंदों के मुँह पर अंगूर मार के उनको मारेंगे क्या? मतलब हमारे हाथ में यहाँ पे अंगूर आजकल बहुत बिक रहे हैं कि अंगूर मार के हम उन बंदों को नॉक कर देंगे, उनको ख़त्म भी कर देंगे। तो भाई एमो मिल ही जाता है ऐसा बोल के मतलब मैं सोच रहा था। तो इतने में ना बॉट दादा आ जाते हैं। तो देखते हैं भाई हमारे बॉट दादा आज क्या लाए हैं हमारे लिए। आज पहला के लिए बॉट दादा के हाथों ही हुआ है हमारा। तो चलो देखते हैं। तो गाइस अभी ना वीडियो को पॉज कर दो। यस गाइस, वीडियो को पॉज करके ना लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरी ना हर एक वीडियो को अपने हर एक फैमिली मेंबर फ्रेंड्स सबके साथ ना शेयर कर दो, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप मेरी तरफ से कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो भाई यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आते हैं, पेटी बनते हैं और वापस चल जाते हैं जहाँ से आए थे अपनी बर्थ प्लेस पे। तो गाइस आजकल ना बॉट हमसे भी ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, क्योंकि भाई इनके पास तो हमसे ज़्यादा लूट होती है और हमारे पास तो कदे कदार कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम तो अमीर हो, हम तो गरीब हैं, और भाई क्वारंटाइन के चलते और भी गरीब होते जा रहे हैं। तो भाई टीजे ना मेरे को आवाज़ लगाता है और कहता है भाई कि ना तू मेरे पास आ जा, सैम जल्दी से पास आ जा मेरे पास, नहीं तो भाई मेरा राम राम सत्य हो जाएगा। मैं कहा भाई ठीक है, तेरे पे रश हो चुका है तो मैं आ रहा हूँ। तो मैंने एडिटिंग के ज़रिए बग्गी उठाई और उतर भी गया, क्योंकि भाई यही तो है एडिटिंग के नशे। यस गाइस, तो मेरे नंबर 2 प्लेयर को इतनी जल्दी तिरश करने की कि मैंने इसी को बेट बनाते हुए ना इनके एक बंदे को नॉक कर दिया। नॉक करके ना मैंने सबको बोला कि भाई अभी इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, जल्दी से रश कर दो, अब देखा जाएगा जो होगा बंदे जहाँ पे भी होंगे। तो भाई मैं ना देख रहा हूँ कि मेरे पीछे बंदे आ नहीं रहे, मैंने कहा भाई मेरा तो राम राम सत्य हो गया। तो भाई यहाँ पर ना DP वाले बंदे का कॉन्फिडेंस देखना। यस ये वाला, हाँ ये वाला, ये नागिन भूतनी वगैरह चिट्टे सफ़ेद कपड़ों में। तो भाई मैंने इस बंदे को ख़त्म किया और भाई ये बंदा ने डोर ही बंद कर दिया। मैंने कहा भाई तूने अपने लिए बचने के लिए डोर बंद कर दिया, लेकिन भाई तेरे को तो नॉक करके जाऊँगा, और वही हुआ, मैंने इसको नॉक भी कर दिया था। तो भाई मेरा नंबर 3 प्लेयर भी नॉक हो जाता है, जो कि भाई बहुत ही बुरी बात है। और भाई मैं ना यहाँ पे मरते मरते बचा हूँ, और मैंने ना अपने टीममेट्स को फिर से वेट बनाते हुए ना इनके एक बार और बंदे को नॉक कर दिया। और भाई ये लास्ट बंदा ना ऊपर से कूद के ना नीचे आ गया था, तो ना मैं साइड से चेक करने के लिए गया कि मतलब मेरे को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन भाई नहीं दिख रहा था। तो मेरा नंबर 1 प्लेयर भी ऊपर आ गया और मैंने ना इसको बंदा समझ के गोली मारने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बचा। तो मैंने फिर से नंबर 1 प्लेयर को बेट बनाते हुए ना इनकी स्क्वाड वाइप कर दी। तो भाई इस स्क्वाड वाइप को हम नाम देंगे बेट वाला क्लच।
यस गाइस, बेट वाला क्रच। और गाइस अगर आपको ये बेट वाला क्रच पसंद आया तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो इतने में ना टीजे है ना, टीजे वो ना नॉक हो गया था किसी से पीछे से, हम पे फिर से रश हो गया था। तो भाई मैंने ना अब कार 98 उठाई, मैंने कहा भाई अब तो तुम वैसे पट्ट से हेडशॉट मारने पड़ेगा। तो भाई मैंने मारा पट्ट से हेडशॉट और भाई एक बंदा नॉक हो गया इनका। और मैं ना फिर अंदर गया लूटने, तो मैं कहा चल मेरा एम खत्म हो रहा है। तो मैं फिर से बाहर आया, टेरिस पे आ गया था ऊपर, तो मैंने कहा चलो टेरिस से ऊपर अच्छा एंगल मिलेगा। और भाई वही हुआ, मैंने इनके एक बंदे को नॉक किया, दो बंदे को नॉक किया और भाई ये तीसरा नॉक हो गया। मैंने कहा भाई अब तो नंबर थ्री तू जा भाई जा, अब तो तीन बंदे नॉक है, अब तो एक को तो मार लेगा, अगर नहीं मार पाया तो मैं पीछे से तेरे को बैकफायर दूंगा। और नहीं भाई, उसी एक बंदे ने इसी को ही मार दिया। मैं कहा भाई चल सॉरी भाई, तू मर गया मेरी वजह से। तो भाई मैंने ना यहाँ पे अपनी कार 98 रिलोड की और भाई मैं चेक कर रहा हूँ कि वहाँ पे बंदा है कि नहीं। और भाई ये बंदा ना पीछे से घूम के ना ये ना पेड़ के पास आ गया था अपने बंदे को रिवाइव करने के लिए। मैं कहा चल ठीक है भाई, तेरे पे तो अब रश करना ही पड़ेगा, लेकिन भाई इसने स्मोक कर दिया। भाई यहाँ पे ना मैंने बहुत ही लेट मारा इसको, ये मेरी गलती थी, मैंने इसको बहुत ही लेट मारा। और भाई यहाँ से ना बंदा आ रहा था, मैंने कहा भाई अब एकेएम्स का स्प्रे का टाइम है। तो लेकिन भाई इतने में मेरा ही राम राम सत्य हो जाता है। और भाई मैंने कहा चलो भाई मेरे को आशीर्वाद दो, जल्दी से आशीर्वाद दो भाई। और मैंने ना टीजे ने बंदे नॉक किए थे तो मैंने उनको फिनिश कर दिया। तो एक और बंदा आया, मैंने इसको भी नॉक कर दिया। मैंने कहा चलो भाई फ्री का किल मिल गया, तो चलो भाई अब देखा जाएगा जो होगा, तुम पुश कर दो, मैं पीछे से बैकफायर दे दूंगा। और चलो भाई इन्होंने फिर से पूरी स्क्वाड वाइप करते हुए हमें बचा लिया भाई। और चलो भाई अब इनकी पेटी बना के हम इनको लूटते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है भाइयों। तो मैंने ना भाई यहाँ पे ना अपनी यूएस उठाई और भाई चल दिया। ओ सॉरी रिवाइंड फिर से हाँ। तो भाई मैंने ना अपनी यूएस उठाई और ना चल दिया यहाँ से। और भाई ये देख लो इसके नशे, पता नहीं क्या करके आ रहा है भाई, इस बंदे के पास हेडफोन ही नहीं है। यस गाइस, इस नंबर थ्री बंदे के पास हेडफोन ही नहीं है। ध्यान से देखिए इसे चेहरे को, इस बेचारे को ध्यान से देखो भाई, क्या कर सकते हैं भाई। चलो भाई सबके साथ होता है। तो भाई मैं ना यहाँ पे स्क्वाड हाउस पे आ गया कि भाई देखने के लिए यहाँ पे कोई मतलब बंदे हैं कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे ना मेरे को हेलमेट और वेस्ट की तलाश थी, तो भाई वो मेरे को मिले ही नहीं। मैंने कहा भाई क्या किस्मत है मेरी, क्या अब किस्मत है। तो भाई मैं ना ऊपर जाता और ना टीजे मेरे को बोलता है कि भाई वहाँ पे ना चर्च साइड बंदे हैं, वो पीछे से ब्लू हाउस है ना चर्च वाला, हाँ तो ना वहाँ पे बंदे थे। मैंने कहा चलो भाई चेक करने आ जाते हैं। मैं चेक किया कि भाई वहाँ पे बंदे हैं कि नहीं, और भाई वहाँ पे बंदे निकले भी और ना एक बंदे को बॉडी भी लग गया, सॉरी हेड नहीं लगा। तो गाइस इतने में ना ये बंदे ना हम पे रश कर देते हैं। मैंने कहा भाई तो स्प्रेज मारा, तो भाई ये और ही के निकल गए। तो भाई नहीं ये वापस वहीं पे रुक गए पत्थर के पीछे। तो मैंने कहा भाई अब तो ना कार 98 टाइम है। मैं कहा चलो भाई अब ना मेरे बंदे ने इनको नॉक कर दिया। मैं कहा चलो भाई अब यही तो टाइम है जाने का, यही तो टाइम है जाने का भाई, जल्दी से चल जाओ, पुश कर दो, मैं तुमको पीछे से बैकफायर दूंगा। लेकिन भाई मेरा मन नहीं किया बैकफायर देने का, तो मैं ना तो मेरे को यहाँ से भी पीछे से शॉट आ गया। मैं कहा चलो हेल्थ मारते और ना मैं ना चलो इन पर पुश कर देते हैं। तो भाई इतने में ना टीजे को फिर से कोई नॉक कर देता है। टीजे अब तीसरी बार नॉक हो चुका है, अब देखते हैं आगे कब होगा, कितनी बार होगा। तो भाई मैंने ना फिर से इनको नॉक करते हुए ना बस यही मेरे को बोलना था कि मेरे को नॉक करते हुए ना, लेकिन भाई इन्होंने बोलने नहीं दिया। भाई मैं तो बहुत डैमेज देने आया हूँ ना, बहुत दूँ ना मैं तो। तो भाई हमने ना दूसरी बार स्क्वाड पे ना पुश कर दिया और भाई देखो क्या होता है आगे। तो भाई यहाँ पे ना मैंने ना ओवर कॉन्फिडेंस में ना इन पर रश कर दिया। मैं क्या भाई ना 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 ना, तो मैंने ना मार्क कर दिया कि भाई यहाँ पे बंदे हैं, तुम सेफ रहना। चलो भाई हम अपने बंदों से आशीर्वाद लेते हैं कि भाई उठा लो नहीं तो हम उठ जाएंगे। तो भाई यहाँ पे ना बंदा आ रहा है ऊपर, तो नंबर थ्री ने फिर से इनको नॉक कर दिया, इस बंदे को नॉक कर दिया। तो भाई मैं देखा जाएगा, तो मैंने पुश कर दिया और भाई स्क्वाड वाइप हो गई। यस गाइस, स्क्वाड वाइप हो गई। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं ना कि आप मेरा क्लैन ज्वाइन करो, लेवल 7 का क्लैन है, मैं खुद लीडर हूँ, तो भाई आपको सिर्फ ये करना है कि मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। तो भाई वहाँ पे ना मेरा नाम मिलेगा आपको, DC Summer 8170 टैग है मेरा।
तो भाई मेरे को ना आपने अपनी स्टैट्स डीएम करनी है, और अगर मेरे को आपकी स्टैट्स पसंद आई तो भाई ठीक है, तो मैं आपको उसी दिन क्लाइम में ले लूँगा। और भाई रीनेम कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास रीनेम कार्ड नहीं होगा तो मैं आपको नहीं लूँगा, और अगर होगा तो मैं भाई आपको उसी दिन क्लाइम में ले लूँगा। और भाई यहाँ पर देखना मेरे साथ क्या है, कितना बड़ा स्कैम हो जाता। ये देख लो भाई नंबर 3 के नशे। मैंने कहा भाई क्या तू क्या कर रहा है यार, अपने बंदों को लॉक कर रहा है तू, और भाई ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहा। मैंने कहा भाई चल भाई ठीक है, तेरे को शायद माफ़ कर दिया, इस बार तू बच्चा है। चलो भाई अपने इस बंदे से आशीर्वाद लेते हैं। और भाई मैं ना पीछे से ना कवर होल्ड करने गया कि भाई मेरे को ना वहाँ से एंगल मिल जाएगा, तो अगर बंदा आएगा तो मैं नॉक भी कर दूँगा। तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं होता, फिर से मैं नॉक कर देता हूँ, अपने बंदा मेरे को फिर से नॉक कर देता। मैं कहा भाई तुम तो मेरे साथ ही बेवफाई कर रहे हो। तो एनीवेज गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय, कल फिर से मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ।